आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की। चौबीस के चुनाव से पहले वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, काशी वासियों को दी बड़ी सौगात। एमके स्टालिन का राज्यपाल को लेकर बड़ा बयान, बोले राज्यपाल को वापस भेजा जाए ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक। जयराम रमेश का सीबीआई से आग्रह, पूर्ववर्ती संगमा सरकार को भ्रष्ट बताने वाले शाह के बयान को लेकर जांच हो। भाजपा ने 4 राज्यों में बदले अध्यक्ष, वही राजस्थान में सीपी जोशी चीफ, यहां इसी साल चुनाव, बिहार में सम्राट चौधरी को कमान। कांग्रेस पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा अपमान करेंगे तो कार्रवाई होगी, देश में कानून का राज। राहुल की सजा पर केजरीवाल का बयान, बोले 11 भाजपा नेता पार्टियों को खत्म करने की साजिश, मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर तंज, बोले तानाशाह सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं। कर्नाटक में नया चुनावी मुद्दा, टीपू सुल्तान को किसने मारा, बीजेपी का दावा, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे टीपू। राज्यसभा के सभापति धनखड़ की मंत्रियों के साथ बैठक, विपक्ष के नेता सदन का गतिरोध तोड़ने में विफल। हिमंत बिस्वा सरमा ने एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र, आवारा कुत्ते टिप्पणी के लिए महाविधेयक से खेद व्यक्त करने का बयान मांगा। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, मीडिया पर्सन प्रोजेक्शन बिल 2023 नामक एक विधेयक पारित। केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार, बोले पीएम पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी नहीं करते, उन्हें नींद नहीं आती इसलिए गुस्से में रहते हैं। दिल्ली से हिमाचल तक राहुल गांधी केस की गूंज, सियासत गरमाई, सीएम सुक्खू बोले पूरी बीजेपी उन्हें फंसाने में जुटी, दोष लगाना राजनीतिक चाल। झारखंड में पुलिस के बूट से कुचलकर नवजात की मौत, सगैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, 5 सस्पेंड अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। इसरो का गगनयान मिशन अगले साल होगा लॉन्च, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा अंतरिक्ष में महिला रोबोट व्योम मित्र भेजी जाएगी। गोरखपुर में मां बेटी जिंदा जले, हुई मौत, पति से झगड़े के बाद केरोसिन डालकर लगाई आग, 2 बच्चों ने भागकर बचाई जान। हरदोई में राजनीतिक वर्चस्व में डबल मर्डर, 8 बार पेचकस घोपा, हथौड़े से सिर पर वार, कुचलने के बाद 200 मीटर तक घसीटा। कानपुर में अपार्टमेंट बनाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, 200 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट में फंसे सैकड़ों खरीदार, एक फ्लैट को 4 लोगों को बेचा। मुजफ्फरनगर में चलती ट्रेन में किशोरी से हुई छेड़छाड़, अपहरण का हुआ प्रयास, जीआरपी थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज।
गाजियाबाद के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, आठ झुलसे। अलीगढ़ में हाजी के ठिकानों पर पड़ी आईटी रेड, दो दिनों से 22 मशीनों से गिना जा रहा कैश, विदेशों में होता है मीट सप्लाई। इटावा में ढोल मुनादी करवाकर गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति कुर्क, चार अपराधियों की संपत्ति की गई कुर्क, एक टॉप 10 अपराधी। इटावा में रेप के आरोपी को 20 साल की जेल, 1,05,000 का जुर्माना, 2019 में घर में घुसकर किशोरी से किया था रेप। कानपुर के करौली आश्रम से लापता शख्स की 2 महीने बाद हुई एफआईआर, बाबा पर लगा 1.80 लाख ठगने के आरोप। सुल्तानपुर में पंचायत सेक्रेटरी पर हुई एफआईआर, विकास कार्य का कमीशन नहीं देने पर भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम की थी पिटाई। मेरठ में मां ने प्रेमी संग की बच्चों की हत्या, 2 दिन से पुलिस को बच्चे गायब बताकर किया गुमराह, कॉल डिटेल से खुला सच। आने वाले गर्मी के मौसम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने अधिकारियों को हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। बहराइच में 8 साल के बच्चे की गला रेत कर हुई हत्या, घर से 200 मीटर दूर खेत में मिला शव, सिर पर मिले चोट के निशान। बिजनौर में कारोबारी की हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामपुर के टूरिस्ट प्लेस को और खूबसूरत बनाया जाएगा, डीएम ने पर्यटन स्थलों का किया निरीक्षण। मथुरा में एक बार फिर रिश्ते हुए शर्मसार, पिता ने किया बेटी का रेप, कोर्ट ने आरोपी पिता को सुनाई उम्र कैद की सजा। सहारनपुर कोर्ट ने 11 साल बाद व्यापारी के अपहरण का हत्या करने के मामले में सुनाया फैसला, कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा। प्रयागराज पुलिस दोबारा तैयार करेगी अति गैंग की लिस्ट, माफिया के राइट हैंड आबिद प्रधान का नाम सूची से बाहर, नए चार्ट में बेगम बेटे भी होंगे शामिल। मेरठ में मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी को दिया तलाक, जबरन घर से निकाला, पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के साथ दिखा शूटर उमेश पाल, हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान के साथ आया शाइस्ता परवीन का वीडियो। रायबरेली में किसान की गोली मारकर हत्या, बचाने आए युवक को भी बदमाशों ने पीट पीट कर किया घायल। यूपी में कोरोना रिटर्न, सप्ताह भर में 200% से ज्यादा बड़े कोविड केस, 24 घंटे में मिले 44 नए केस। झांसी के गरौठा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जैन परिवार में डकैती करने के बाद से फरार थे दोनों बदमाश। अलीगढ़ में डॉक्टर के किडनैपर्स को हुई उम्र कैद, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को 2021 में किया था किडनैप। अलीगढ़ में हुक्का बार पर हुई कार्रवाई, सिविल लाइन में चल रहे बार में लड़के और लड़कियों को दिया जा रहा था नशा, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार।
झांसी में सफाई घोटाला मन माफिक जगह काम कराया, अब सचिव प्रधान से होगी 52,000 की रिकवरी। अलीगढ़ में पशु चोरी करने वाले चार लोगों पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, क्षेत्र में कई चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। कासगंज में पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली, बच्चे को लगी है गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, पिता के साथ मेला देखने आया था बच्चा। गोरखपुर में किन्नर की हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, इलाके के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। यूपी में जल्द खुलेंगे 2,505 नए स्वास्थ्य केंद्र, ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जल्द पूरा करने के दिए निर्देश, इलाज और जांच की मिलेगी सुविधा। गडकरी ने ट्वीट कर दी पिथौरागढ़ और बागेश्वर को 3,468.56 करोड़ की सौगात, सीएम धामी ने जताया आभार। देहरादून में एसबीआई की डोईवाला शाखा में आग लगने से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अमृतपाल के उत्तराखंड आने की सूचना पर अलर्ट, कुरुक्षेत्र में पनाह देने वाली महिला का खुलासा। केदारनाथ मंदिर के पास तक जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु, परिक्रमा के लिए बनेगी चार दीवारी। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर लगी रोक, रायपुर और उसके पास के क्षेत्र में विधानसभा परिसर एवं अन्य सरकारी कार्यालय भवनों का होना है निर्माण। देहरादून में निजी स्कूल हर साल बदल रहे यूनिफॉर्म, अभिभावकों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ। वुमेन एंड मेन इंडिया रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, पहाड़ी राज्यों की महिलाएं भी हो रही मोटापे का शिकार। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 6 रूटों का आवंटन, गुप्तकाशी से धाम के लिए खोले गए टेंडर। देहरादून में मैकडॉनल्ड और केएफसी के फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ ने गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस, भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक से टकराकर कई फीट दूर गिरा बच्चा। पूर्णागिरी दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, जयकारों की जगह निकली चीख, अपनों से लिपटे पुकारते रहे स्वच्छ। हल्द्वानी में कार सवार युवकों की दबंगई आए सामने, युवकों ने चाय का ठेली लगाने वाली महिला से की बदसलूकी। नीलगाय को बचाने के चक्कर में गंग नहर में गिरी कार, पुलिस ने क्रेन की मदद से निकाला बाहर। हल्द्वानी में तैनात राज्य कर अधिकारी की उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन फेल, ऑर्बिट में जाने से पहले गड़बड़ी हुई, 1250 किलो वजन ले जाने में सक्षम।
अमेरिका पर आग बबूला हुआ ड्रैगन, कहा बिना परमिशन हमारे समुद्र में घुस आया अमेरिकी युद्ध पोत, बढ़ा तनाव। यूएन की रिपोर्ट में दावा 2050 तक पानी के संकट से सबसे ज्यादा जूझेगा भारत, पाकिस्तान चीन भी मुसीबत में। फिर भी नकाब हुआ पाकिस्तान, यूएन में पश्तून एक्टिविस्ट का खुलासा, तहरीक तालिबान के साथ है पाक के संबंध, दुनिया को दिखाए सबूत। रूस के पूर्व राष्ट्रपति द्मित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान, बोले पुतिन को विदेश में गिरफ्तार करने का मतलब है जंग का ऐलान। यूक्रेन की मदद के लिए आया वर्ल्ड बैंक, रूसी हमले से बर्बाद हुए यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में आएगा 411 अरब डॉलर का खर्च। कंगाल श्रीलंका में खाने की चीजों की किल्लत, सरकार ने भारत से मंगवाए 20 लाख अंडे। भारत के नक्शे कदम पर चौरा फिलीपींस और मोरक्को, इंडिया के तर्ज पर अपनाया आधार कार्ड सिस्टम, 2010 में की गई थी शुरुआत। पाकिस्तान के पंजाब में होने वाला चुनाव स्थगित, इमरान बोले ये पाक संविधान का उल्लंघन है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने फिर मांगी माफी, पूछताछ में बोले दिल पर हाथ रखकर कहता हूं मैंने सदन से झूठ नहीं बोला है। अडानी के बाद हिंडनबर्ग के निशाने पर अमेरिकी कंपनी जैक डॉर्सी की, ब्लॉक इंक पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप, कंपनी का शेयर 20% गिरा। विंडोज यूजर्स के लिए नया व्हाट्सएप ऐप हुआ लॉन्च, वीडियो कॉल में 8 और ऑडियो कॉल में एक साथ 32 लोग जुड़ सकेंगे। महंगी होंगी मारुति सुजुकी की कारें, 2 महीने में दूसरी बार कंपनी ने बढ़ाई कीमतें, जनवरी में 1.1% बढ़ाए थे दाम। ग्रामरली के नए सीईओ बनेंगे भारतीय मूल के राहुल रॉय, 1 मई से संभालेंगे कमान, 14 साल गूगल में कर चुके हैं काम। सोना चांदी में दिखी तेजी, फिर 59,000 के पार हुआ सोना, चांदी भी 69,000 के ऊपर निकली। अडानी पावर को फिर निगरानी में रखा, बीएससी एनएससी ने अडानी पावर को दूसरी बार शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में डाला। आईटी दिग्गज एक्सचेंज भी करने जा रही 19,000 कर्मचारियों की छटनी, खराब वैश्विक आर्थिक हालात का दिया हवाला। अश्नीर ग्रोवर ने साधा भारत पेपर एक बार फिर निशाना, कहा मुझ पर कंपनी हर हफ्ते करती है नया केस। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भारत के खाद्य सुरक्षा को खतरा, घट सकता है गेहूं और चावल का उत्पादन। फेड रिजर्व के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी महंगा किया कर्ज, आरबीआई पर बड़ा दबाव। आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार, बेन स्टोक्स ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद ना के बराबर। पाकिस्तान में ही होगा एशिया वर्ल्ड कप, न्यूट्रल वेन्यू पर टीम इंडिया के मुकाबले, टूर्नामेंट में 3 बार भारत पाक मैच की उम्मीद।
वर्ल्ड बॉक्सिंग के फाइनल में निखत, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता वालेंसिया को हराया। नीतू स्वीटी और लवलीना ने भी सेमीफाइनल जीता। सूर्य कुमार यादव के जरिए शशि थरूर ने साधा भारतीय टीम पर निशाना, पूछा कब मिलेगा संजू सैमसन को मौका। बांग्लादेश ने आयरलैंड तीसरे वनडे में बुरी तरह हराया, अपनी जमीन पर पिछली 15 सीरीज में 13वीं जीत। रोहित शर्मा पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले पहले ही आप सारी चीजें खत्म कर लीजिए। गुजरात टाइटंस के अगले कप्तान हो सकते हैं शुभमन गिल, टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी का बड़ा दावा। आईपीएल से पहले लगातार बढ़ रही केकेआर की मुश्किलें, अय्यर के बाद टीम के बेहतरीन गेंदबाज लॉकी फ्यूगरसन हुए चोटे। सैमसन को नजरअंदाज करना भारत को पड़ सकता है भारी, पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने सूर्या को वनडे से बाहर करने की दी सलाह। वनडे वर्ल्ड कप का कोई मैच मोहाली स्टेडियम में नहीं, वजह पार्किंग प्रॉब्लम, करप्शन के आरोप। प्रदीप सरकार ने 67 की उम्र में ली आखिरी सांस, अजय देवगन समेत कई सेलेब्स ने जताया दुख। अक्षय कुमार के साथ हुआ बड़ा हादसा, बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग के दौरान एक्टर को लगी चोट। डेटिंग की खबरों पर राघव चड्ढा ने तोड़ी चुप्पी, बोले परिणीति से नहीं मुझसे राजनीति के सवाल पूछिए। ऊटी घूमने गए सुम्बुल तौकीर को बंदर ने काटा, एक्ट्रेस ने अस्पताल से शेयर की घाव की तस्वीर। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे बॉक्स ऑफिस पर हुई फुस, फिल्म ने सातवें दिन 10 करोड़ किया कलेक्शन। फिल्म भीड़ में कोरोना काल के मंजर को पर्दे पर देख काफी ऑडियंस की रूह, लोग बोले दिल को छू गई फिल्म। साउथ एक्टर अजीत कुमार के पिता पी सुब्रमण्यम का निधन, सोशल मीडिया पर स्टार ने जताया शोक। थ्री इडियट्स का सीक्वल हुआ कंफर्म, एक बार फिर आमिर आर माधवन और शर्मन जोशी और करीना कपूर धमाल मचाते आएंगे नजर। रमजान के पाक महीने में आतिफ असलम के घर नन्ही परी ने लिया जन्म, सिंगर ने फोटो पोस्ट करके दी जानकारी। काम पर लौटी सुष्मिता सेन, डबिंग स्टूडियो के बाहर नजर आई एक्ट्रेस।